वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी मधुबनी पेंटिंग में बौरा कैसे बनाते हैं। पहले आपको एक सर्कल लेना है, इसे डबल लाइन करना है। फिर इसकी आंखें बनाएंगे आप। बिल्कुल इस तरह। आपको इसको कचनी से भर लेना है, जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाले लेसन में देखा था कि मैंने पैरट का कैसे कचनी से फिल किया था। ऐसे ही बिल्कुल आपको इसे भी कचनी से फिल करना है। आप पेंसिल से भी बना सकते हैं, उसके बाद आप पेन से फेयर कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस है यदि मधुबनी पेंटिंग की, तो आप डायरेक्ट पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नीम से बना सकते हैं। अभी इस तरीके से आप पैटर्न बनाएंगे और इसे हर जगह बनाकर कंप्लीट करेंगे। अभी इसे भी मैं कचनी से फिल कर दूंगी। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट कर देना है। ये पैटर्न को आप पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी इसे फिर से आप डबल लाइन कर देंगे, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोज में भी बताया है कि मधुबनी पेंटिंग में आपको डबल लाइन्स ही करने हैं, सिंगल लाइन में कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा। भौरा आपको कई सारी पेंटिंग में बनाने पड़ते हैं। मधुबनी पेंटिंग के कुछ इम्पोर्टेंट मोटिव्स होते हैं, जिसमें से भौरा भी एक है जो पेंटिंग्स को कंप्लीट करता है। इस तरीके से आपको ये पूरा पैटर्न को डबल लाइन से कंप्लीट करना है। जैसे मैंने डबल लाइन से कंप्लीट किया, अभी मैं इसमें ब्लैक कलर फिल कर दूंगी। आप इसे कलरफुल भी बना सकते हैं। मेरा फेवरेट कलर ब्लैक एंड रेड है, जो कि मैं मधुबनी पेंटिंग में मोस्टली यूज़ करती हूँ।
इसलिए मैं ब्लैक से कर रही हूँ। अदरवाइज आप कलर फिल करके भी कर सकते हैं, मधुबनी पेंटिंग कलरफुल बनती है, ब्लैक एंड रेड भी बनती है। सो आपका जो स्टाइल है, आप को जो सूट करता है, आप उस तरीके से बना सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है, ताकि आप एक एक मोटिव को अच्छे से कंप्लीट कर सके, बना सके, लाइंस सही से ड्रॉ कर सके। जितनी अच्छी फिनिशिंग होगी पेंटिंग, उतनी ही खूबसूरत लगेगी। सो आपको ट्राई करना है कि हर हर मोटिव फिनिशिंग के साथ ही बने, ताकि आपका पेंटिंग देखने में खूबसूरत लगे और अट्रैक्टिव लगे। आपको किसी भी तरीके का सजेशन चाहिए हो मधुबनी पेंटिंग में, या आप आपके माइंड में क्वेश्चंस हो कि कैसे मोटिव्स और क्या बनाने चाहिए, या किस तरीके से बनाते हैं मधुबनी पेंटिंग को, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं, ताकि मेरे ये वीडियोज़ और भी अट्रैक्टिव और अच्छे बने, ताकि आप लोग और सही तरीके से समझ पाए। मैं कोशिश करूंगी आपके सारे क्वेश्चंस को रिप्लाई करने का। ये आपका आउटर लाइन हो गया। अब मैं यहाँ एक पैटर्न बनाऊंगी जिसे रिपीट करूंगी बिल्कुल इस तरीके से। इस तरीके से आप पैटर्न्स बनाकर और भौरे को कंप्लीट कर सकते हैं। टच नहीं कर रही हूँ मैं, मधुबनी पेंटिंग में कचनी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप किसी भी चीज़ को कचनी से बनाते हैं या कलर फिल करके बनाते हैं, ये मधुबनी पेंटिंग का स्टाइल है। मैं आपको बहुत ही डिटेल में भौरा बनाना सिखा रही हूँ। आपको रिक्वायर्ड हो पेंटिंग में तो आप इसको इतने डिटेल में ना बना के आप कम पैटर्न यूज करना और अपनी पेंटिंग तैयार करना। ये डिपेंड करता है आपकी पेंटिंग में कि आप किस तरीके के मोटिव्स यूज कर रहे हैं और कौन से टॉपिक पर वर्क कर रहे हैं। टॉपिक के अकॉर्डिंग ही आपके मोटिव भी में भी डिटेलिंग होगी। मैंने इससे पहले आपको पैरट बनाना एंड संख बनाना सिखाया है। आप मेरे पहले दो लेशन को आप देखकर सीख सकते हैं, और आपको कोई कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चन हो तो आप मेरे से डायरेक्टली कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर जरूर करूंगी और कोशिश करूंगी कि और भी अच्छे वीडियोज आप लोगों को बताऊं, कि आप जल्दी से जल्दी मधुबनी पेंटिंग सीख सके और अच्छी से अच्छी पेंटिंग बना सके। मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया है कि बहुत सारे लोग मधुबनी पेंटिंग सीखना चाहते हैं, बट उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता मधुबनी पेंटिंग सीखने का। वो मेरे चैनल के थ्रू पेंटिंग्स सीख सकते हैं। मैं स्टार्टिंग टू एंड तक बताऊंगी कैसे मधुबनी पेंटिंग करते हैं, क्या क्या मोटिव्स यूज होती है, आपको कैसे इसे
अच्छा बनाना है और अच्छी तरीके से पेंटिंग फिनिशिंग के साथ कैसे कर सकते हो, ये सब मैं अपनी वीडियो में बताने का कोशिश करूँगी। इस तरीके से इसे कछनी से फिल कर लेंगे, मैं स्ट्रेट लाइन से फिल कर रही हूँ, ऐसे ही पूरा कंप्लीट करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको डिटेल में सिखा पा रही हूँ, आप मेरे ट्यूटोरियल से अच्छी तरीके से मधुबनी पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप सीख पा रहे हो, और मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि मैं आपको और भी अच्छी तरीके से सिखा पाऊँ। आपके सजेशंस बहुत ही ज़रूरी है एंड कमेंट बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको और डिटेल में कैसे सिखाऊँ, कैसे आप चाहते हैं और भी ट्यूटोरियल सीखना, और भी नए मोटिव्स क्या क्या आपको जानने की इच्छा है, मैं ट्राई करूँगी आपको बताने की। सो प्लीज़ आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें मेरे वीडियोज को, ताकि मैं भी मोटिवेट होऊं और आप भी मोटिवेट हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज शेयर करना स्टार्ट करूं। ये ऑलमोस्ट आपका भौरा रेडी है, ये कई सारी पेंटिंग्स में यूज होती है, इसलिए मैंने सोचा ये मोटिव आपको सिखाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग में ये काफ़ी जगह यूज होती है। आप डिटेलिंग थोड़ा कम कर सकते हो, बट मैं मेरा काम है कि मैं आपको डिटेल में बताऊं, ताकि आपको नॉलेज अच्छी तरीके से हो जाए कि कैसे मधुबनी पेंटिंग में भौरा बनाया जाता है। अगेन मैं कछनी से इसे मोटिव को कंप्लीट कर रही हूँ। ये देखिए ये आपका भौरा रेडी हो गया। आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी इसे बनाकर ट्राई करें एंड कमेंट में मुझे बताएं कि आपका भौरा कैसा बना, आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए और आपको कैसी नॉलेज चाहिए मधुबनी पेंटिंग में, मैं कोशिश करूँगी आपको बताने का। थैंक यू सो मच।